Good evening, champions. Myself Neha, assistant professor in Artway Degree College, Blaha. Today we will discuss about the nitrogenous base. In the previous lecture, we discussed about the nucleic acid. जो nucleic acid है वो क्या होता है? Polymer of the nucleotide. And nucleotide आपको पता है mainly two compounds से मिलकर बना होता है. One is the phosphate and second is the nucleoside. Nucleoside is made up of again two compounds. One is the sugar and second is the nitrogenous base. Sugar के बारे में हमने बात की थी. कौन सी sugar थी? Pentose sugar, जो mainly two type की होती है. One is the ribose and second is the deoxyribose. Ribose sugar mainly कहाँ पे present होते हैं? In the RNA. And deoxyribose sugar is present in the DNA. अब हम बात कर रहे हैं nitrogenous base के बारे में. तो जो nitrogenous base है ये भी mainly two type का होता है. One is the purine and second is the pyrimidine. यदि हम structure के बारे में बात करें तो जो purine है ये कैसे होते हैं? डाइसाइक्लिक, मीन्स की दो रिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है. दिस इज द डाइसाइक्लिक मेड अप ऑफ द टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक चलाने वाली साइकिल नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर. तो कौन कौन से दो रिंग स्ट्रक्चर है? वन इज द हेक्सागोनल एंड सेकेंड इज द पेंटागोनल. हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल. अब नाम से पता चल रहा है हेक्सा. हेक्सा मीन्स की सिक्स. तो ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो रिंग है वो कितने मेंबर रिंग होती है? सिक्स मेंबर रिंग. एंड पेंटागोनल नाम से पता चल रहा है पेंट. पेंट मीन्स की फाइव. तो कितने मेंबर रिंग होगी? फाइव मेंबर रिंग. तो चलो एक बार हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें. दिस इज द हेक्सागोनल मीन्स की सिक्स मेंबर रिंग. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. पेंटागोनल मीन्स की फाइव. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो मीन्स की जो प्यूरिन है वो टोटल कितने मेंबर रिंग होते हैं? नाइन मेंबर रिंग. यदि आप काउंट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट एंड नाइन. तो मीन्स की जो प्यूरिन है वो कैसे होती है? नाइन मेंबर रिंग. क्लियर? जो मेनली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है. वन इज द हेक्सागोन एंड सेकेंड इज द पेंटागोन. सेकेंड हम बात कर रहे हैं पिरामिडिन स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये मेनली कैसे होती है? मोनोसाइक्लिक मीन्स की ओनली एक ही रिंग से मिलकर बनी होती है. और वो रिंग कैसी होती है? हेक्सागोनल. हेक्सागोनल दैट इज सिक्स मेंबर रिंग. तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. दिस इज द सिक्स मेंबर रिंग. क्लियर? प्यूरिन में यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें. ओके वन मोर थिंग. नाइट्रोजन एटम. प्यूरिन में नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं. पिरामिडिन्स में भी नाइट्रोजन आल्सो प्रेजेंट होता है. तो यदि हम प्यूरिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली यहाँ पे फोर नाइट्रोजन होता है. कौन कौन सी पोजिशन पे? फर्स्ट थर्ड सेवन एंड नाइन्थ पोजिशन पे. जैसे कि ये क्या है नॉर्मल प्यूरिन की स्ट्रक्चर? दिस इज द फर्स्ट. तो फर्स्ट पे क्या होगा? नाइट्रोजन. थर्ड पोजिशन पे क्या होगा? नाइट्रोजन. सेवन पोजिशन पे क्या होगा? नाइट्रोजन. एंड नाइन्थ पोजिशन पे आल्सो क्या होगा? नाइट्रोजन. लेकिन पिरामिडिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओनली दो ही नाइट्रोजन होता है. ओनली टू नाइट्रोजन. कौन कौन सी पोजिशन पे? फर्स्ट एंड द थर्ड पोजिशन के ऊपर. तो दिस इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द रिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्रोजन. एंड दिस इज द थर्ड पोजिशन ऑफ द रिंग. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नाइट्रोजन. क्लियर? नेक्स्ट यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो प्यूरिन है इसके मेनली टू एग्जाम्पल होते हैं. वन इज द एडनिन एंड सेकेंड इज द ग्वानिन. तो मेनली टू टाइप के प्यूरिन होते हैं. एक होता है एडनिन आल्सो रिप्रेजेंट एज ए एंड सेकेंड इज द ग्वानिन रिप्रेजेंट एज जी. जो एडनिन एंड द ग्वानिन प्यूरिन है ये दोनों में प्रेजेंट होता है. मीन्स की डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट. लेकिन यदि हम पिरामिडिन की बात करें तो मेनली थ्री पिरामिडिन होते हैं. वन इज द थायमिन, सेकेंड इज द साइटोसिन एंड लास्ट इज द यूरासिन. थायमिन साइटोसिन
and uracil. Thymine represents as T and cytosine as C and uracil as U. Clear? लेकिन जो थायमिन एंड द साइटोसिन है ये दोनों मेनली प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, लेकिन साइटोसिन एंड द यूरासिल वो प्रेजेंट होता है आरएनए में. थायमिन एंड द साइटोसिन पिरामिडिन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, बट आरएनए में जो थायमिन है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द यूरासिल. दैट इज साइटोसिन एंड द यूरासिल पिरामिडिन इज प्रेजेंट इन द आरएनए. क्लियर? तो यदि हम एक बार डिफरेंस के बारे में बात करें तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या क्या है. डीएनए में सुगर कौन सी है? डॉक्सी राइबोज. एंड द आरएनए में कौन से सुगर होते हैं? राइबो सुगर. बेस के बारे में बात करें कौन सा? पिरामिडिन के बारे में. तो डीएनए में कौन सा होता है? थायमिन एंड द साइटोसिन. लेकिन आरएनए में कौन सा होता है? साइटोसिन एंड द यूरासिल. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, प्यूरिन एंड द पिरामिडिन की स्ट्रक्चर के बारे में. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम हमें तो कभी ये स्ट्रक्चर याद ही नहीं होती. तो चलो फिर आज देखते हैं कि आज किस किस बच्चे को याद नहीं होती है. सिर्फ आपको 5 मिनट यहाँ पे फोकस करना है ओनली बोर्ड के ऊपर, तो आप खुद देखोगे कि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगी. ये प्रॉमिस कर रही हूं मैं आपको. ओनली 5 मिनट आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है? और आपको ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्यूरिन की स्ट्रक्चर के बारे में, मींस की एडेनिन एंड द ग्वानिन. एडेनिन एंड ग्वानिन. ओके, तो एक बार हम प्यूरिन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो प्यूरिन के बारे में अभी हमने क्या क्या बात की? डाइसाइक्लिक है, मींस की टू मेंबर रिंग है, डाइसाइक्लिक. क्लियर? सेकेंड, टोटल मेंबर कितने होंगे यहाँ पे? 9. तभी तो हमने बोला 9 मेंबर क्या होगी? ये रिंग होगी. क्लियर? 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 नाइट्रोजन. कौन कौन सी पोजीशंस पे? 1, 3, 7 एंड 9. क्लियर? बस सिर्फ आपको यही चीज याद करनी थी. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एडेनिन की स्ट्रक्चर के बारे में. एडेनिन सेम आपको यही रूल फॉलो करना है, बिकॉज एडेनिन इज द प्यूरिन. तो देखो डाइसाइक्लिक है, 2 साइकिल होगी. 1 इज द हेक्सागोन एंड सेकेंड इज पेंटागोन. क्लियर? तो नाइट्रोजन कहां कहां पे प्रेजेंट है? 1, 3, 7 एंड 9. फर्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो आप काउंट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन. 9 मेंबर रिंग है. नाइट्रोजन प्रेजेंट है ओनली फर्स्ट 3, 7 एंड 9 पोजीशंस के ऊपर. बाकी सारे पोजीशंस के ऊपर क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन. क्लियर? तो यदि आपको एडेनिन की स्ट्रक्चर बनानी है तो सिर्फ आपको जो एक चीज याद रखनी है वो क्या? कार्बन नंबर 6 पे क्या होगा? अमाइनो ग्रुप. दिस इज द कार्बन नंबर 6, तो इसके ऊपर क्या आएगा? अमाइनो ग्रुप. बस सिर्फ ये. तो चलो अब क्या करनी है? वैलेंसी पूरी करनी है. तो देखो एक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी. 1, 2, 3 एंड दिस इज द 4. क्लियर? नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3. 1, 2 एंड 3. कार्बन के अगेन 4. 1, 2, 3 एंड 4. नाइट्रोजन की 3. 1, 2 एंड 3. इस कार्बन की देखो 1, 2, 3, तो एक और होनी चाहिए 4. अब आप ये मत कहना कि मैम ये तो लाइन लगा रहे हो तो लाइन से वैलेंसी पूरी थोड़ी ना होती है. तो बच्चे इस लाइनिंग का मींस की क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है? इस वाले कार्बन के देखो 1, 2, 3, 4 वैलेंसी कंप्लीट. नाइट्रोजन की देखो 3 होनी चाहिए, तो 1, 2 एक और होनी चाहिए ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड 3. कार्बन की यदि बात करें तो 1, 2, 3 एक और होना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? H. ठीक है? नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, 1, 2, 3. अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम यदि आप यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड्स बना दो,
तो बच्चे यदि आप ऐसा करोगे तो आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो उस स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या गा रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, एडमिन की। आपको याद क्या रखना था, सिर्फ एक चीज, वो है पोजिशन नंबर 6, उसके ऊपर क्या आएगा, अमाइनो ग्रुप। बाकी सेम हमने क्या बनाया, जो प्यूरिन के हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं ग्वानिन की, ग्वानिन। तो ग्वानिन में जो आपको लर्न करना है वो सिर्फ ये है कि कार्बन नंबर 7 पे क्या आएगा, अमाइनो ग्रुप। जो कार्बन नंबर 6 पे था, अब कहां पे आ गए, कार्बन नंबर 7 पे। एंड कार्बन नंबर 6 पे क्या, बाकी सारी स्ट्रक्चर एडिटेज है। तो चलो फिर देखो कैसे होगा। ग्वानिन आल्सो एक प्यूरिन, प्यूरिन में क्या होता है, डाइसाइक्लिक 9 मेंबर रिंग। तो बनाओ डाइसाइक्लिक 9 मेंबर रिंग, काउंट कीजिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ। ये कंडीशन पूरी हुई, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। नाइट्रोजन मेनली 4 पोजीशंस के ऊपर, फर्स्ट, 3, 7 एंड द 9, फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9। बाकी सारी पोजीशंस पे क्या होगा, कार्बन। तो लगा दीजिए कार्बन, इसमें तो ना कुछ लगता है, कार्बन ही तो लगाने है, लगा दो, लगा दिए, खत्म, ठीक है। अब ग्वानिन के स्ट्रक्चर के लिए क्या था कि जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर क्या आता है, अमाइनो ग्रुप। दिस इज द कार्बन नंबर 2, क्या लगाओ यहाँ पे, NH2, अमाइनो ग्रुप। एंड कार्बन नंबर 6 उसके ऊपर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ग्वानिन की। आपको ने याद क्या क्या, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप एंड कार्बन नंबर 6 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी सारी स्ट्रक्चर एडिटिव प्यूरिन का जो हमने नॉर्मल देखा है। वैलेंसी की यदि बात करें तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट, कोई डबल बॉन्ड्स नहीं आएगा। नाइट्रोजन की यदि बात करें तो 3 होती है, 1, 2 एक और होना चाहिए ना, तो ये कहां पे लगेगा बॉन्ड, H, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3 एक और होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो दिस इज द 4th। नाइट्रोजन की बात करें तो 3 वैलेंसी, 1, 2 एंड 3 कंप्लीट। कार्बन की बात करो तो 1, 2, 3 है, एक और होना चाहिए, 4 कंप्लीट। इस कार्बन की बात करो तो 4 वैलेंसी, 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट। इस नाइट्रोजन की बात करो तो 1, 2 एक और होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, दिस इज द 3 सेम। अब इसके ऊपर क्या आएगा, CH, बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसी, 1, 2, 3 एंड 4। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, 1, 2 एंड 3 ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ग्वानिन की। तो सिंपल स्ट्रक्चर थी, आपको सिर्फ प्यूरिन की ये याद करना था और ये याद करना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिरामिडिन की स्ट्रक्चर के बारे में। पिरामिडिन की स्ट्रक्चर तो इससे भी इजी होती है, तो चलो फिर देखते हैं डेट किसमें है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं कि मैम थायमिन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, साइटोसिन की कैसे बनेगी, यूरासिल की कैसे बनेगी, एडेनिन और ग्वानिन की तो हमें आ गई। तो चलो ये भी आ जाएगी, ओनली 5 मिनट की बात है, ओनली 5 मिनट, ठीक है। तो कोई कॉपी नहीं करेगा, ओनली फोकस ऑन द बोर्ड। पिरामिडिन कैसी होती है, मोनोसाइक्लिक, आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। तो 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन पर जॉइंट होते हैं इसमें, कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर, फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, ठीक है। मेनली 3 होते हैं पिरामिडिन, थायमिन, साइटोसिन एंड द यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन एंड द यूरासिल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरासिल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूरासिल के स्ट्रक्चर में मैंने तो सिर्फ ये बोला है 420, U420 बन गए यूरासिल की स्ट्रक्चर। चलो तो फिर बनाओ, तो फिर वापस आ जाओ, नया मैम बनाती है, आ जाओ। यूरासिल है, पिरामिडिन है, कैसा होगा, मोनोसाइक्लिक 6 मेंबर है। जो साइकिल होती है वो यहाँ पे कौन सी होती है, हेक्सागोनल, दिस इज द हेक्सागोनल, एक ही साइकिल पर जेंट होगी, 6 मेंबर है। तो दिस इज द फर्स्ट,
second, third, fourth, fifth and sixth position. Complete nitrogen कहाँ पे होगा? First and the third positions के ऊपर. This is the first and this is the third. बाकी positions के ऊपर क्या आएगा? Carbon. लगा दो carbon. 1, 2, 3, 4. बन गई यूरासिल की स्ट्रक्चर. आप कहोगे मैम ये कैसे यूरासिल की स्ट्रक्चर बनी है? यदि ये यूरासिल की स्ट्रक्चर है तो फिर इसका क्या मीन्स है? तो चलो फिर देखते हैं. देखो U420 मीन्स की जो यूरासिल की जो स्ट्रक्चर है उसमें सेकेंड एंड द फोर्थ पोजिशन के ऊपर क्या आता है? सी डबल बॉन्ड O. दिस इज द सेकेंड पोजिशन, डबल बॉन्ड O. फोर्थ पोजिशन, डबल बॉन्ड O. अब क्या करना है? वैलेंसी पूरी करनी है. कर दीजिए. 1, 2, 3, 4 वैलेंसी कंप्लीट. 1, 2 एक और होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? H. 1, 2, 3, 4 वैलेंसी कंप्लीट. यहाँ पे देखिए 1, 2 एक और होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. H. 1, 2 ओनली सिर्फ दो ही है तो यहाँ पे क्या आएगा? CH एंड डबल बॉन्ड. 1, 2, 3 एंड H क्या बन गया? यूरासिल. तो आपने सिर्फ लंग क्या किया इसमें? U420 फोर्थ एंड सेकेंड पोजिशन के ऊपर क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड O. क्या बन जाएगी? यूरासिल की स्ट्रक्चर. अब हम बात कर रहे हैं थायमिन की. तो थायमिन के लिए मैंने सिर्फ एक चीज बोली है यहाँ पे, तुम 5, तुम 5 बच्चे हो. तो चलो फिर बना लो स्ट्रक्चर. सेम ये रूल फॉलो करना है, ठीक है? और यूरासिल है इसके फिफ्थ पोजिशन के ऊपर क्या आएगा? मिथाइल ग्रुप. किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी? थायमिन की. तो आप सबके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से बनाइए और देन आप मुझे सेंड कीजिए. फिर देखते हैं कि किस किस बच्चे को ये चीज समझ में आई है और किस बच्चे के ऊपर से गया बात. आई होप आप सबने बना लिया हो. तो जिसको नहीं आया बहुत अच्छा है और जिसको आ गया तो भी अच्छा है. तो चलो फिर आ जाओ. थायमिन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. है क्या? पिरामिडिन. मोनोसाइक्लिक है. सिर्फ एक ही क्या होगी यहाँ पे? रिंग. दिस इज द हेक्सागोनल. 6 मेंबर, ठीक है? 6 मेंबर रिंग है. पोजीशन बताइए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या होता है? नाइट्रोजन. फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या होता है? नाइट्रोजन. अब किसकी स्ट्रक्चर बनानी है? थायमिन की. तो थायमिन में हमने क्या कहा? जो यूरासिल है उसके फिफ्थ पोजिशन के ऊपर क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप. तो भाई पहले यूरासिल की स्ट्रक्चर तो बनाओ. यूरासिल की स्ट्रक्चर में क्या था? सेकंड पोजिशन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, फोर्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड हो. दिस इज द फिफ्थ कार्बन, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन. तो फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या रहा है? मिथाइल ग्रुप. दिस इज द CH3. किसकी स्ट्रक्चर बन गई? थायमिन की. बाकी क्या करना है? वैलेंसी पूरी कर दीजिए. वैलेंसी पूरी में करने में क्या है? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 कंप्लीट. इस कार्बन पे 1, 2, 3, 4 कंप्लीट, 4 वैलेंसी. 1, 2 एक और होना चाहिए ना? 3 कंप्लीट. इस वाले कार्बन की देखिए 1, 2, 3 एक और होना चाहिए. ऑफकोर्स होना चाहिए. तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड. इसके देखिए 1, 2, 3 एंड 4 क्या बन गया? थायमिन. सिर्फ लंग क्या करना था कि हम कि तुम सब क्या हो? 5 बच्चे हो या फिर तुम 5 फ्रेंड हो. तो क्या बन गया? थायमिन, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइटोसिन की. तो चलो साइटोसिन की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये क्या होता है? CUM4 कम 4. 4 बच्चे क्लास में एंटर कर जाओ, ओनली 4 बच्चे. तो क्या बन जाएगा? साइटोसिन. तो सबसे पहले क्या करना है? सेम पिरामिडिन है तो पिरामिडिन का ही रूल फॉलो करते हैं. मोनोसाइक्लिक है, दैट इज द हेक्सागोनल 6 मेंबर रिंग, ठीक है? 6 मेंबर रिंग है. पोजीशन बताइए. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ. 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा फर्स्ट एंड द थर्ड पोजीशंस के ऊपर. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द थर्ड. बाकी पोजीशंस पे क्या आएगा? कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन, ठीक है? तो अब क्या बनाना? साइटोसिन. तो देखो यहाँ पे क्या बताया हमने कि जो यूरासिल की स्ट्रक्चर है उसके फोर्थ पोजीशंस के ऊपर क्या आना है? अमाइनो ग्रुप.
तो यहाँ पे जो हमने M दिखा है, ये M किसके लिए दिखा है? अच्छा आप क्या कीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा इसे A कर लीजिए, ठीक है? तो अमाइनो ग्रुप फोर्थ पोजिशन के ऊपर, दिस इज द फोर्थ पोजिशन, क्या लगा दो NH2, ठीक है? एंड सेकेंड पोजिशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, यूरासिल की स्ट्रक्चर बनानी थी पहले, देखो पहले यूरासिल की स्ट्रक्चर बनानी थी, दिस इज द यूरासिल स्ट्रक्चर, फोर्थ एंड सेकेंड पोजिशन पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है? बाकी ये सारी हमने बना दी इसमें यूरासिल की स्ट्रक्चर, ठीक है? बट अब क्या बोला इसने कि जो यूरासिल है उसकी फोर्थ पोजिशन के ऊपर क्या आना चाहिए, अमाइनो ग्रुप, तो लगा दीजिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, अमाइनो ग्रुप, किसकी स्ट्रक्चर बनी, साइटोसिन की, क्लियर? तो वैलेंसी की बात करें, 1, 2, 3 एक और होना चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी के लिए क्या आएगा यहां पे, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, कार्बन की 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4, तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, पिरामिडिन की स्ट्रक्चर, जो आपको लंग करने की ट्रिक थी वो ये थी, यूरासिल का क्या था 420, थायमिन का क्या था 2, 5, 4, ठीक है? साइटोसिन की स्ट्रक्चर बोले तो QA4, तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो और इनको लंग कर सकते हो, क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।